अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आपको कराएंगे सब्जियों की फॉर्म की सैर। तो चलें सैर कराते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाऊंगी मैं आपको, पानी और दरख्त का। सूरज का अक्स जो है वो स्पेशली बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो है वो सब्जियां लगा चुके हैं, हर एक खेल के ऊपर जो है वो शॉपर लगाया होता है ताकि सब्जियां जो है वो खराब होने से बच सके और इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो आज जो है वो आपको सारी जो सब्जियां हैं उनके खेत की सैर करवाएंगे। तो उसके लिए अभी थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बारिश की वजह से खराब हो चुका है और गाड़ी अंदर नहीं आ सकी, तो हमें जो है वो पैदल आना होता पड़ेगा आज। तो ये तोरी का साग है क्योंकि साग का मौसम शुरू हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तोरी का साग, तो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग हमें जो है वो सब्जियां वगैरह लगानी होती हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताऊंगी, ये है बताऊं का खेत। यहाँ बहुत ज्यादा मकदार में बताऊं लगे हुए हैं, जिसको एग प्लांट भी कहते हैं या इसको पट्टे भी कहते हैं। तो आपको करीब से दिखा देती हूँ लगे हुए। इनके पौधों को बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ता, मतलब कि जो एक दफा लगा देते हैं वो चलते रहते हैं, उनको बार बार जो है वो तोड़ना और उगाना नहीं पड़ता, इन पे सब्जी लगती रहती है। तो ये तकरीबन 2 किले के बराबर जो है वो बताऊं के सब्जी लगाई हुई है, जिसपे बताऊं लगते रहते हैं और हम लोग तोड़ते रहते हैं और फिर बार बार तोड़ना और पकाना लगा रहता है। तो व्यूवर्स, आप भी ऐसी खुली खुली जगह पे जरूर जाया करें ताकि आपकी टेंशन रिलीज हो, आप फ्रेश हो और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। तो आपको ओपन एरिया में जरूर जाना चाहिए और अपने आप का बहुत सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रेश हैं तो मतलब आपकी पूरी फैमिली फ्रेश है, लेकिन अगर आप जो है वो डिस्टर्ब हैं तो आपके से जुड़ा हर इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिंदगियां चलती हैं वो एक पर्सन पे नहीं बल्कि एक पर्सन से पूरा पूरा खानदान जुड़ा होता है। तो अगर हम फ्रेश हैं हमारी फैमिली फ्रेश है, लेकिन अगर हम फ्रेश नहीं तो हमारी फैमिली बिल्कुल फ्रेश नहीं होगी। तो चले आए आपको दिखाती हूँ कि अब कौन सी सब्जी जो है वो अनकरीब चलने वाली है, जो कि हमने लगा चुके हैं। ये जो सारा खेत मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, इस सारे एरिया में लगाए हुए हैं हमने मटर। ये सारी मटर की सब्जी है जो कि बस थोड़े दिनों में तोड़ना शुरू कर देंगे हम। फल लग चुका है, आपको करीब से दिखा देती हूँ, दाना बन चुका है, बस थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और फिर आएगी मार्केट में मजे मजे की मटर और आप लोग खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो आज हमने कुछ भी कुकिंग नहीं करनी, बस मैं आज चाहती थी कि आपको अपने प्यारे प्यारे से खूबसूरत से खेतों की सैर करवाऊं कि खूबसूरती क्या है, जो कि हम घरों में बैठे रहते हैं। ठीक है, घर में बैठना चाहिए, लेकिन आपको बाहर निकलना चाहिए, फ्रेश हवा लेनी चाहिए, आपकी बहुत सी बीमारियां इससे ख़त्म हो जाती हैं और आप फ्रेश हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं नहीं समझती कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको घर में रहना चाहिए, आपको ज़रूर घर से बाहर निकलना चाहिए, स्पेशली ग्रीनरी की तरफ, क्योंकि ऐसी जगहों पर निकलने से आपका बहुत सा फ़ायदा होगा। और अपने बच्चे को ज़रूर लेके जाएं ऐसी जगहों पर जहाँ ग्रीनरी हो, खुली हवा हो। नहीं अपने खेत तो कोई बात नहीं, आप बाहर तो निकल सकते हैं ना घर से एटलीस्ट,
तो मुझे पर्सनल तौर पे जो है वो पार्क वगैरह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ गैदरिंग नहीं होती। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जहाँ गैदरिंग ना हो, ग्रीनरी हो, फ्रेश हवा हो, मुझे ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है। और मैं खुद और अपने बच्चों को भी ऐसी जगह पे लेके जाती हूँ। और मैं आपको भी कहूँगी कि ज़रूर ऐसी जगह पे जाएं, ना कि आप पार्क में चले जाएं जहाँ इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है और इंसान एक दूसरे के साथ बात करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा होता है, यानी कि बहुत मुश्किल हो रहा होता है हमें एक दूसरे में बात करने से, क्योंकि वहाँ बहुत सा शोर वगुल होता है और फ्रेश नहीं हो सकते हम वहाँ जाके। तो हमें ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। अगर आपके एरिया में हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है और ये जो कवरिंग की है शॉपर वगैरह से, वो इसलिए की हुई है ताकि घास जो है वो ऊपर ना निकले, स्ट्रॉबेरी ऊपर निकले और वो जो है वो गंदी भी ना हो, शॉपर की वजह से वो बच जाएगी और जो है वो बस उसी के पौधे बाहर निकले हुए हैं और इससे जो है वो सेफ भी हो जाएगी और साफ सुथरी भी होगी और घास उससे बच जाएगी। और साथ साथ ये जो ऊंची जगह है यहाँ पे हमने मूलियाँ वगैरह लगाई होती हैं ताकि जब मौसम आउट होने वाला होता है तो ये तब तक रेडी हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार होंगी। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये कि हम लोग यहाँ कोई भी खाद वगैरह नहीं डालते। हम जहाँ जो है वो गोबर वगैरह डालते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ की सब्जियाँ और फ्रूट जो होते हैं वो बिल्कुल उनका साइड इफेक्ट नहीं होता, मतलब उसमें केमिकल नहीं होता। हाँ, हम जब खाद डालते हैं तो क्या होता है कि उसका असर हमारे खाने पीने, फ्रूट्स और जो सब्जियां वगैरह उन सब में होता है, लेकिन जब हम खाद नहीं डालते तो फिर उसका असर नहीं होता। तो गोबर वगैरह का कोई असर नहीं होता, उससे जो है वो बिल्कुल फ्रेश और केमिकल से पाक सब्जियां और फ्रूट तैयार किए जा सकते हैं। तो यकीनन आपको भी ऐसा करना चाहिए, ज़्यादा मकदार में नहीं तो थोड़ी सी घर में ज़रूर लगाएं, घर में नहीं तो खेत में ज़रूर लगाएं, ताकि आप भी फ्रेश फ्रेश सब्जी और फ्रूट खा सकें। और स्ट्रॉबेरी यहाँ हो सकती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं बाहर से लेने की, आप अपनी स्ट्रॉबेरी घर में लगा के तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का सीन, मतलब आज की सैर हमारी, आज की रिफ्रेशमेंट, आज की आउटिंग हुई कंप्लीट। तो उसके साथ हमें शुरू करना चाहिए वापसी का सफर, मतलब हमें घर जाना चाहिए। बच्चे जो है इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से, तो उसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा प्यार कीजिए, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का, सबका बहुत सा प्यार कीजिए, अपने खूब खूब प्यार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।